दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढूमने ज्वेलर्स 47C हिमालय एक्सीलेंस नियर पुलिस चौकी प्रताप नगर नागपुर। सोनेगांव तालाब परिसर के हनुमान मंदिर पहुंचे मन से कार्यकर्ता, नियम तोड़ते हुए लाउडस्पीकर लगाकर किया गया हनुमान चालीसा का पठन। ट्रस्ट के बिना अनुमति पठन किया गया हनुमान चालीसा। कड़े पुलिस बंदोबस्त में हुआ ये सारा घटनाक्रम। सीपी अमितेश कुमार ने नागपुर के कई मंदिरों में हनुमान चालीसा पठन की नहीं दी थी अनुमति। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा 1 मई को औरंगाबाद की सभा में दिए गए आदेश के बाद 4 मई को संपूर्ण महाराष्ट्र में हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा पठन के तहत मनसे प्रदेश सरचिटनीस हेमंत गडकरी आज नागपुर के सोनेगांव तालाब परिसर के हनुमान मंदिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, यहाँ पर मंदिर ट्रस्टी की बिना परमिशन हनुमान चालीसा का पठन भी किया गया। माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी जो आदेश महाराष्ट्रातल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना दिला होता त्याचं तंतोतंत पालन आज नागपूरच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे। आज या हनुमान मंदिरामध्ये हनुमान चालीसा पठन व आरती करण्यात आलेली आहे। एकंदरीत माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा शब्द जो होता तो 100% इथे पाळण्यात आलेला आहे। मी नागपूर नगरीचे सीपी अमितेश कुमार साहेब आणि त्यांच्या सर्व स्टाफला सुद्धा धन्यवाद देईल, कारण की आम्ही कालपासून नागपूर नगरात येणाऱ्या 32 पोलीस स्टेशनला या संदर्भातली परवानगी मागत होतो। आज सकाळी आदरणीय सीपी साहेबांनी आम्हाला तिथे सीपी ऑफिसला आमंत्रित केलं, त्यांच्याशी चर्चा झाली, त्याच्यानंतर त्यांनी नागपूर नगरातल्या 2 स्पॉटपैकी कुठे हे करता तुम्ही हे विचारलं, त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला सोनेगाव तलाव या हनुमान मंदिराच्या परिसराची परवानगी दिली आणि त्याच्यानंतर आम्ही आज इथे आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अतिशय उत्साहपूर्ण जल्लोषपूर्ण वातावरणामध्ये हनुमान चालीसाचं पठन व महाबलीची आरती केलेली आहे। तुम्हाला परवानगी होती का? हे सार्वजनिक हनुमान मंदिर आहे, मी शेजारी राहतो, मी दररोज या मंदिरात येतो आणि मागे हे मंदिर जेव्हा पडत असताना ते जे आंदोलन घेण्यात आलं होतं सगळ्यात पुढाकार घेणारा माणूस मी होतो आणि या नागरिक मंडळाचा मी सुद्धा पदाधिकारी आहे। इथे मी दररोजच येत असतो, शेजारीच माझं राहणार आहे, हे सार्वजनिक हनुमान मंदिर आहे, इथे सगळे जे आहेत ते सगळे हिंदू बांधव आहेत, मंदिरामध्ये येण्याचा त्यांचा अधिकार आहे। मी प्रशांत देशमुख बोलतो आहे आणि ॲक्च्युली मला मगाशी फोन आला की बा आम्हाला असं असं फक्त आरती करायची आहे, म्हणलं आरतीला हरकत नाही आहे, फक्त घोषणाबाजी किंवा ही नको, कारण हे सध्याच्या स्थितीत हे शंकरराव जे आहे यांनी सगळं आत्तापर्यंत याचा सगळा जीर्णोद्धार आणि आजपर्यंत सध्या हेच देखभाल करत आहे। तर मी यांना फोन केला होता, ते हे बोलले की बा फक्त आरतीला आपण परमिशन देऊ पण हे जे आहे घोषणाबाजी ही नको, त्याच्यामुळे मी सध्या आता आमची अंडर प्रोसेस आहे ट्रस्ट, काय करायचं शंकर पोलीस कंप्लेंट करायची काय भूमिका? विरोध नव्हता, विरोध नव्हता, विरोध फक्त आम्हाला आरतीसाठी काही प्रॉब्लेम नव्हता, कंप्लेंट करायची, हा पोलीस कंप्लेंट करायची की असं कार्यक्रम परत कोणी करू नये का अशा धार्मिक ठिकाणी, हा आमचा उद्देश आहे, दुसरा काय उद्देश नाही। पोलीस कंप्लेंट करणार, दूसरा आम्ही काय करणार आहे, फुलाच्या ही पार्टी आली त्यांचा विरोध करणार। इन्होंने जो परमिशन का लेटर दिया है उस परमिशन के ऊपर से पोलीस स्टेशन ने इनको परमिशन इस शर्त पे दिया है
कि आप जो लाउड स्पीकर से रिलेटेड, साउंड सिस्टम रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे और जो ट्रस्टी है मंदिर के उनकी परमिशन लेंगे। अगर वो गाइडलाइंस जो शर्त है अगर उन्होंने बता दें कि नियमों के दायरे में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ा गया तो कार्रवाई करने के संकेत खुद सीपी अमितेश कुमार इन्होंने दिए थे। बावजूद इसके ट्रस्ट की अनुमति लिए बगैर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पठन किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सीपी अमितेश कुमार क्या बोलेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे यह देखना जरूरी होगा। लेकिन डीसीपी लोहित मतानी इन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। फॉलो नहीं की तो उनपे उपयुक्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो उन्होंने लगाए हैं वो मंदिर इधर मस्जिद एरिया से दूर है और उन्होंने अपने हिसाब से जो लगाए हैं उसमें डायरेक्शंस या इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि किस डायरेक्शन में लगाया जाना लीगल है और किस डायरेक्शन में लगाया जाना इलीगल है। लेकिन जो डिस्टेंस की गाइडलाइंस है और जो डेसिबल मीटर की गाइडलाइंस है वो फॉलो की गई हैं और अगर वो फॉलो नहीं होती हैं तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डेसिबल मीटर्स की जो गाइडलाइंस है और जो टाइमिंग की गाइडलाइंस है, जो डिस्टेंस की गाइडलाइंस है वो फॉलो होती है तो साउंड सिस्टम लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर नागपुर। क्या आप भी छठते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका, अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर वन हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक एमके रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टि पूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही एमके रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्कर धरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।